हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू गेम के बारे में, गेम नंबर 26, जिसका नाम है तीन पे चपटी सात पे ताली। अब चपटी तो आपको बजानी आती होगी, ऐसे आप बजा सकते हैं, ठीक है। ताली भी आपको आती है, ऐसे भी आप बजा सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा गेम है, जैसे लड्डू वाला था वैसे ही ये चपटी और ताली वाला है। अब गेम कैसे खेलना है, तो गेम खेलना बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो गेम का नाम भी आपको पता है, तीन पे चपटी सात पे ताली। तो नाम से ही पता चलता है कि तीन पे क्या करना है, तो एक चपटी बजानी है और सात पे आपको ताली बजानी है, ठीक है। तो थोड़ा आगे देखते हैं, ये आप कहीं भी खेल सकते हैं, मैदान हो, कमरा हो, ठीक है, जहाँ भी आपको जगह मिले आप वहाँ पे खेल सकते हैं। इसमें संख्या असीमित है, जितने भी लोग हो वो आराम से खेल सकते हैं। गेम कैसे खेलना है, तो सबसे पहले तो आपको राउंड में बैठ जाना है, ठीक है। जैसे ही सब लोग बैठ गए वैसे ही आपको राउंड में बैठ जाना है। अब गेम में क्या है, तो गेम में जहां तीन आए वहां पे आपको चपटी बजानी है, ऐसे चपटी बजानी है, ठीक है। और जहां पे सात आए, सेवन आए, वहां पे आपको ताली बजानी है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जहां भी तीन दिखे वहां पे चपटी बजाओ, सात दिखे वहां पे आप ताली बजाओ। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इस लड़के से हम शुरुआत करते हैं, तो जैसे ही इस लड़के ने स्टार्टिंग किया, एक ये बोलेगी दो तीन चार, सॉरी मेरी गलती हो गई, एक दो, ये तीन नहीं बोलेगा, क्या करेगा, चपटी बजाएगा, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे चार पाँच छ, ये सात नहीं बोलेगी, क्या करेगी, ताली बजाएगी, ठीक है। अगर वो बोल जाती है तो वो गेम से बाहर हो जाती है। तो बोलना नहीं है आपको, सिर्फ एक्शन करनी है, या चपटी बजानी है या ताली बजानी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये सेवन तक आई, फिर आएगा आठ नौ दस ग्यारह बारह, अब इस पे आता है तेरह। अब तेरह में क्या आता है, एक और तीन आता है, तो वो क्या करेगी, तो सबसे पहले एक आता है तो वो बोलेगी एक, और फिर उसके बाद चपटी बजाएगी, ठीक है। वो तीन नहीं बोलेगी, वो पहले एक बोलेगी उसके बाद चपटी बजाएगी, तो उसका मतलब होता है तेरा। अगर उसने पहले चपटी बजा दी और बाद में एक बोला, तो उसका मतलब होता है 31। तो आपको याद रखना है, जो भी पहले है तो वो आपको पहले बोलना है। जैसे तेरा है तो एक पहले आएगा, तो एक पहले बोलना है, और तीन तीन तो बोलना ही नहीं, उसके हिसाब से आपको चपटी बजानी है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे तेरह आया, फिर यहाँ पे 14 आएगा, 15, 16, और यहाँ पे 17 आएगा। पर 17 नहीं बोलना, क्या करना है, एक और ताली बजाना है, एक बोलना है और ताली बजानी, इतने यानी कि वो अगर बोल सकते तो वो हो गए 17। तो यहाँ पे 18 19 20 ऐसे ऐसे करते जाएंगे। अब यहाँ से अगर यहाँ पे 30 आए तो वो क्या करेगा, पहले एक चपटी बजाएगा, उसके बाद बोलेगा जीरो, ठीक है। चपटी बजाने के बाद बोलेगा जीरो। फिर आता है 31, तो वो चपटी बजा के बोलेगा एक, ठीक है। चपटी बोलना नहीं है, तीन तो बोलना ही नहीं है, चपटी भी नहीं बोलना, क्या करना है, सिर्फ बजानी ही है, बजा के बोलेगा एक। फिर यहाँ पे 31 आ गया, फिर आएगा 32, तो चपटी दो, चपटी चपटी। तो यहाँ पे 33 आए तो वो क्या करेगा, दो चपटी बजाएगा, सिर्फ बोलेगा कुछ नहीं, सो दो चपटी बजाएगा, ठीक है, ऐसे दो चपटी बजाएगा, बाकी कुछ नहीं वाला। तो ऐसे ही गेम खेलते जाना है, जहां पे आए वहां पे आपको बजाना है। जैसे कि 77 आता है तो आपको क्या करना है, दो ताली बजानी है, ठीक है, कुछ नहीं बोलना, दो ताली बजा देनी है। जैसे कि अगर 73 आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ताली बजानी है, फिर उसके बाद चपटी बजानी है, ठीक है। तो ऐसे ही जहां पे जो आता है वहां पे बजाओ, 37 आता है तो ठीक है चपटी बजाओ, उसके बाद ताली बजाओ। तो तीन पे चपटी सात पे ताली, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आपको जैसी मर्जी हो आप वो डिसाइड कर सकते हैं। आपको ऐसा लगे कि पांच पे मैं ताली बजाऊंगा, सात पे मैं चपटी बजाऊंगा, वो भी आप रख सकते हैं। तो आपकी मर्जी के हिसाब से आप गेम खेलिए, एंजॉय कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।